जय कैसे हैं आप लोग तो उम्मीद करता हूं कि आप वक्त अपने घरों में खेतफात होंगे तो आज की वीडियो होने वाली होती बड़ा खास कि आज इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा सोनी के माइक के बारे में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि माइक का नाम सुनते ही उनके जहन में बहुत बड़े बड़े बड़, बड़ ब्रांड आते हैं जैसे कि बोया का जैसे कि कोडेक का या फिर आपका रोड का ये काफी बड़े बड़े माइक है काफी महंगे भी होते हैं उन्हीं सभी को टक्कर देने के लिए सोनी का भी एक माइक है जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है किसके लिए एज अ वोटो तो ब्लॉगर्स के लिए मतलब इसकी जो लेंथ होती है ना वो रस्सी जैसी नहीं होती जैसे की अपने जो बोया का माइक होता है इसकी लेंथ तो काफी ज्यादा मतलब पाँच छः मीटर तो होती है इसकी लेंथ जो अपना जो सोनी का है उसकी लेंथ इतनी नहीं होती तो मैं आप सभी से बात कर रहा हूँ सोनी के ECM LV1 की सबसे पहले हम करते हैं इसके अनबॉक्सिंग में आपको दिखलाता हूं कि आपको ECM LV1 के पैकेज में क्या-क्या देखने को मिलने वाला है तो भाई देखो ये है अपना सोनी का ECM LV1 माइक मतलब तो जो माइक है ना ये आपको काफी बढ़िया होता है स्पेशली जब अगर आप इसको यूज करना चाहते हो अपने मोटो व्लॉगिंग सेटअप में हालांकि 400 वाले माइक भी आते हैं मोनो के लेकिन आप वो भी ले सकते हो आप ये भी ले सकते हो क्योंकि मुझे आपको अच्छी देनी है क्वालिटी तो मैंने यह वाला माइक सेलेक्ट किया है सबसे सब पहले आपको देखने को मिलेगा मैनोर्स आप इसको साइड रख सकते हो और दूसरा हमारा ये वाला प्यारा सा प्रोडक्ट सोनी का मतलब वो आप भी कह सकते हो कि जो सोनी का माइक है ना ये बहुत बड़ा नहीं है ये बस एक मीटर का है या आप देखो आप इसको लगा सकते हो मैं आपको भी सैंपल पीस के टेस्ट करवाऊँगा अब आप इसको ऐसे लगा लो ये इसमें से लग गया अब आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो आप एक चीज़ ध्यान रखना कि ये सभी फ़ोन के साथ कंपेटेबल नहीं होता बाकी ये हमारा इसकी अनबॉक्सिंग वैसे मैं इसके अनबॉक्सिंग कर रखी थी जब मैंने आपको बताया था कि आपको गोप्रो के साथ कौन कौन से एसेसरीज को यूज़ करना चाहिए अगर आपने वो नहीं देखी तो वो भी आप देख सकते हो लिंक डाल इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर तो तुम इसका कहूँ कि आपको मेरी अनबॉक्सिंग पसंद आई होगी और मैंने आपको बताई दिया था कि मैंने इसकी अनबॉक्सिंग पहले कर रखी है अपनी दूसरी वीडियो में तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी वो भी आप देख सकते हो अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो वो आप सुन रहे हो मेरे बोया के माइक की और ये है हमारा सोनी का ECM सी एम एल वी वन माइक तो मैं आपको दिखलाऊं कि हमको उसमें क्या देखने को मिला था ये हमारा मेन था प्रोडक्ट तो ये इतना सा है माइक मतलब ये आपका सिर्फ और सिर्फ एक मीटर का माइक है ये आप देखो आप कितना बड़ा है अगर मैं अपना हाथ थोड़ा सा खोलूँ और इतना ही है मतलब पूरा एक मीटर है एक मीटर का माइक है और आप ये भी यूज़ कर सकते हो इसके ज़रिए से आपको भी वाइन होती है ना वो नहीं आती अब आपको पता है आप अगर आप ऐसा माइक लेने के लिए सोच रहे हो कि आप इसको मोटर ब्लॉगिंग के लिए यूज़ कर सको तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है अगर आप मोटर ब्लॉगिंग के लिए माइक ले रहे हो तो अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो वो आप बोया के माइक सुन रहे हो अभी मैं इसमें लगाऊंगा अपना सोने का माइक मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैं अभी जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं वो मैं अपने गो प्रो से ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूं अगर आपको जानना है कि आप अपने गो प्रो को एज स्टूडियो कैमरा कैसे के बना सकते हो तो मैंने उसकी पूरी वीडियो बना रखी है आप वो भी देख सकते हो लिंक अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन हाँ तो भाई अभी जो आपको आवाज़ आ रही है वो आ रही है मेरे सोनी के माइक से मतलब आपको क्वालिटी में फर्क शायद पता लग रहा होगा वैसे अभी आपको शायद पता लग भी नहीं होगा क्योंकि मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ ए मतलब क्यों कर रहा हूँ मैंने अपनी जो ऑडियो है इसको क्या है एडिट अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो ये ए से एडिट है अब जो आप आवाज़ सुन रहे हो ये ए से एडिट नहीं है ये डायरेक्टेड फ्रॉम द माइक है मतलब आपको शायद पता लग रहा होगा कि ये आवाज़ को कैसे कैच कर रहा है इसकी क्वालिटी आखिर कैसी है अभी पंखा भी चल रहा है बाहर से थोड़ी बहुत आवाज़ें भी आ रही हैं तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अगर आप इस वाले माइक को यूज़ करते हो तो आपको क्वालिटी कैसी मिलने वाली है अभी हमने इसको रिकॉर्डिंग किया आपका रूम में अभी हम बाहर भी जाएंगे अब वहाँ भी देखना कि अगर आप इसको यूज़ करते हो बाहर तो आपको क्वालिटी कैसी मिलने वाली है दोस्तों करते हैं हम शुरू अपनी जर्नी दोबारा से आराम ओ भाई ये हमारे जाफराबाद के कट ये हमारे लोने नौजवान साथी जाफराबाद के और आज हमारे शुरू हुई है ब्लॉगिंग आपका जाफराबाद में और आज पहले दिन है हमारा क्राउड बहुत ज़्यादा रहता है यहाँ पर ऑलवेज और रात में तो और ज़्यादा हो जाता है ये सारी मार्केट कपड़े की जूते की तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बाहर की भी वीडियो पसंद आई होगी और इंडोर की भी वीडियो पसंद आ रही होगी वैसे मैं आपको इस माइक के कुछ से बता दूँ डिसएडवांटेजेस। वो ये है कि आपका ये वाला माइक है ना ये आप यूज़ कर सकते हो अपने डी के साथ अपने कैमरे के साथ लेकिन आप इसको यूज़ नहीं कर सकते अपने फ़ोन के साथ जी हाँ अगर आप सोच रहे हो कि आप इसको यूज़ करोगे अपने फ़ोन के साथ तो आप नहीं कर सकते मतलब तो ये सबके साथ कंपेटेबल नहीं है कुछ कुछ के साथ हो जाता है जैसे कि जो मेरा फ़ोन है उसके साथ कंपेटेबल ये नहीं था तो शायद आपके फ़ोन के साथ भी कम्पटेबल ना हो अगर आप बाहर जा रहे हो लेने के लिए तो आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि ये वाला माइक आपके फ़ोन के साथ कंपेटेबल हो जाए अगर आप सिर्फ फ़ोन के लिए ले रहे हो इसके अलावा डी एस एल आर वो प्रो या फिर आपका लैपटॉप आपका डेस्कटॉप मतलब तो इन सभी के साथ ये आराम से कंपेटेबल है और अभी जो आप क्वालिटी सुन रहे हो आवाज़ की वो मेरे बोया के ही माइक की अभी मैंने इसको एडिट किया है मैं आपको इसकी भी क्वालिटी को बता दूँ अब जो आप आवाज़ सुन रहे हो वो मैंने एडिट नहीं करी वो आ रही है डायरेक्टेड फ्रॉम द माइक तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अगर आप बोया का माइक लेते हो जो कि आपको छः सात सौ रुपये का आ जाएगा आप इसको यूज़ कर सकते हो एज आ मोटर ब्लॉगिंग में भी लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है आपको काफ़ी दिक्कत का भी सामना करना हो सकता है लेकिन जो सोनी का माइक है ये एक मीटर का है लेकिन हैवी आपका सोलह सौ रुपये का अठारह सौ का सोलह सौ का इसके प्राइस रहते हैं तो आपको इससे थोड़ा सा ईजी पड़ जाएगा बाकी आप अपने अकॉर्डिंग को ले सकते हो मैं इन सभी के जो भी लिंक्स हैं ना मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर आप वहाँ से ऑर्डर प्लेस कर सकते हो तो इन सभी के अलावा अगर आपके तो पास कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो मेरे कमेंट में जाके या फिर आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर आप वहाँ पर भी मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो तो मैं करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर हाँ तो आप मेरी वीडियो को मार सकते हो लाइक कर सकते हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो मिलते हैं अगली वीडियो में जब तक आप अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें जय हिंद